एक जीएसटी बिल बनाना है जिसमें हर एक प्रोडक्ट पर अलग अलग जीएसटी हम लगाएंगे। जीएसटी कितना लगता है गुड्स पे? 5%, 10%, 12%, 18%, 21% और 28%, यही क्राइटेरिया रहेगी। तो एक्सेल ओपन कर लेते हैं। अब यहां पर हम डालेंगे बैच नंबर, हर एक प्रोडक्ट का अपना अलग बैच नंबर होता है, तो यहां दे दिया है बैच नंबर, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट का नेम आएगा, तो यहां लिख देते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट, ये लिख दिया, ठीक है, ध्यान से देखो। उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस आएगी, तो यहाँ प्राइस करेंगे, और प्राइस करने के बाद यहाँ यूनिट आएगा, यूनिट यानी कितना बिका, एक बिका, दो बिका, दस बिका, कितना बिका, वो चीज यूनिट कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल, TOTAL, टोटल हो गया। इसके बाद से देखो जीएसटी कितने टाइप की होती है, एक जीएसटी ही लगाएंगे हम, ठीक है। और जीएसटी कितने टाइप की है, पहला होता है सीजीएसटी। क्या होता है सीजीएसटी? सीजीएसटी बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। उसके बाद होता है एसजीएसटी, ठीक है, तो ये हो गया एसजीएसटी। एसजीएसटी क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर तुम उत्तर प्रदेश की रहने वाली हो और उत्तर प्रदेश में ही तुम्हारी दुकान है और उत्तर प्रदेश का ही कस्टमर भी है, तो ऐसी स्थिति में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा। और अगर कस्टमर बाहर का है तो वहां पर क्या लगता है? आईजीएसटी। सिर्फ क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा, दोनों एक ही परसेंटेज, दोनों का एक ही रहेगा। लेकिन अगर सीजीएसटी एसजीएसटी 5% लगता है तो 2.5% में ये दोनों डिवाइड हो जाता है और हाई पूरा 5% ले लेता है, इसमें दोनों नहीं लगेगा। ये दोनों ना लग करके अगर डिफरेंट स्टेट की बात होती है तो आईजीएसटी लगता है, और ये दोनों ना लग करके सीधा सीधा 5% यही आ जाएगा या 10%, जो भी क्राइटेरिया है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पे बैच नंबर देना है, तो बैच नंबर में B01 ये बैच नंबर है स्टॉक आइटम का, जो भी तुम्हारा आइटम यहाँ पे आएगा उसका बैच नंबर है, ठीक है। अब इसमें क्या डाल देता हूं मैं यहाँ पे बैच नंबर में, अब ये B01 कर दिया, और यहाँ पे अब प्रोडक्ट का नाम डालेंगे। तो प्रोडक्ट का नाम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो प्रोडक्ट का नाम है कीबोर्ड, कीबोर्ड है, ठीक है, तो ये लिख दिया है कीबोर्ड, ठीक है। प्राइस क्या है इसकी? प्राइस है 340 रुपए, 340 रुपए कर दिया। यूनिट यहाँ पे जो भी है वो डाल देंगे, फिर यहाँ टोटल करेंगे। तो टोटल करना तो बहुत आसान है, आपको पता ही है। सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला स्प्रेडशीट या एक्सेल सॉफ्टवेयर में कैसे शुरू होता है? इक्वल्स टू से, बराबर के निशान से, ये बताया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना है और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने से भी पहले हम क्या चाहते हैं, हम ये पूरा नीचे का हिस्सा, यहां से लेकर नीचे तक जो है, जो भी हम यहाँ जहां तक हम लिखेंगे वो पूरा हिस्सा सेलेक्ट करके हम इसको करेंसी का फॉर्मेट बनाना चाहते हैं। तो करेंसी कैसे बनाएंगे? होम टैब पे रहेंगे और यहां से जनरल दिखाई दे रहा है और ये ड्रॉप डाउन भी नजर आ रही है, तो यहां चले चलेंगे और यहां पे दिया हुआ है करेंसी, तो इंडियन करेंसी ही है, रुपया वाला साइन बना हुआ है ना, तो यहां पे क्लिक कर देंगे तो देखो इंडियन करेंसी वाला आ गया है, ठीक है। अब यहां पे टोटल करना है, टोटल अभी करते हैं, इससे पहले हम दूसरा प्रोडक्ट लिखते हैं जिसका बैच नंबर है B001, ठीक है। यहाँ पे B001 है, ये B001 है, ये है हार्ड डिस्क, क्या है? हार्ड डिस्क, ठीक है। तो हार्ड डिस्क है और किसका है? यहाँ पर WD का हार्ड डिस्क है, WD, ठीक है। और ये जो है 5000 रुपए का, कितने रुपए का? 5000 रुपए का। और एक हार्ड डिस्क 5000 का है, तो 7 हार्ड डिस्क अगर खरीदे गए हो या बेचे गए हो तो ऐसी स्थिति में इसकी कीमत हमें पता करनी है। यहाँ पर अगला प्रोडक्ट जो आएगा C01, ये कुछ और होगा, जैसे मान लो ये हो जाएगा लैपटॉप, लैपटॉप, ठीक है, तो ये लैपटॉप हो गया। अब लैपटॉप की कीमत क्या रही? तो यहाँ पे लैपटॉप की कीमत रही 70000 रुपए, कितना रहा? 70000, 70000। और ये है i7 कोर प्रोसेसर है, ठीक है, तो i7 लिख दिया। i7 यानी i माने इंटेल और 7 माने 7, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का भी ये आ रहा है, ठीक है। अभी चलते हैं आगे, यहां पर 8 कर देते हैं, 8 ऐसे सिस्टम परचेस किए गए, ठीक है। फिर यहां पर बैच नंबर अगला देंगे तो C003 कर देते हैं, और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर करेंगे HP लैपटॉप, HP का लैपटॉप है, ठीक है। और ये कौन सा लैपटॉप है? ये है i5 कोर प्रोसेसर, ठीक है, i5, ये i7 है, ये i5 है। इसकी कीमत क्या है? 45000 रुपए, तो यहाँ 45000 लिख देते हैं। और यहाँ पर टोटल यहाँ पे 88 सिस्टम लिए गए हैं, तो वो यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट कैसे होगा? पहले तो टोटल करना, इक्वल्स टू से कोई भी फॉर्मूला शुरू होगा, ये टोटल को सेलेक्ट करेंगे प्राइस को और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, यूनिट से, तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो आ गया टोटल, लेकिन इस टोटल में छिपा होगा सीजीएसटी या एसजीएसटी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे पाउंड सिंबल कहते हैं, हैश आ रहा है ना लिखा हुआ, इसे एक्चुअली में पाउंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पाउंड।
ये कोई एरर नहीं है, बल्कि क्या है, यहां से कॉलम छोटा पड़ गया है। तो कॉलम को रिसाइज करने की शॉर्टकट की होती है Alt H O I, तो ये कॉलम रिसाइज हो गया, ठीक है। अब यहां पर CGST SGST की बात आएगी, ठीक है। तो CGST SGST कितना कितना परसेंट लग रहा है, वो परसेंटेज हमें यहां पे देना है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि यहां पर 5% और यहां पर 5% लगा देता हूं, ठीक है। ये 5% लगा दिया, और इसमें हम एक ड्रॉप डाउन बना देते हैं, ठीक है। यहां पर आएगा 10%, एक बात कह रहा हूं, यहां पे 10% और ये 2% कर देते हैं, या 10% और 10% नहीं करके यहां क्या करते हैं, यहां पे चेंज कर देते हैं लाइक 5% और यहां पर फिर 5% कर देते हैं, जो ऊपर है वो ये यहां पे भी दे देते हैं, 10% हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, यहां पे 2.5% कर देते हैं, 2.5% परसेंट का साइन ऐसे लग जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। 2.5 हो गया, ये भी 2.5, ये भी 2.5, तो दोनों 2.5 हो गया। अब क्या करना है, यहां पे 6.6% कर देते हैं, यानी 12%, ठीक है। 6% यहां पे, 6% यहां पे, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, आईजीएसटी के लिए हम एक ड्रॉप डाउन बना देते हैं। ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा, यहां पर क्लिक रखेंगे, कहां जाएंगे, डाटा टैब पर क्लिक कर दिया, यहां से कहां जाएंगे, ये देखो ये दिया हुआ है डेटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन दिख रहा है, क्लिक कर देना है और डाटा वैलिडेशन पे चले चलना है, ठीक है। यहां से जाना है एनी वैल्यू पर और इसको क्या बना देना है, लिस्ट बनाना है, क्या बनाना है, लिस्ट, ठीक है। और लिस्ट बना करके क्या करेंगे, यहां पर करेंगे 5% हो गया, ठीक है, बल्कि 10% करेंगे, 5% क्यों, 5 जोड़ के 10 होता है, तो 10 करेंगे, तो 10 कर देते हैं यहां पे 10%, फिर क्या है दूसरा, फिर 10 ही है, तो 10 एक बार आ जाएगा तो हो ही जाएगा। अब यहां क्या करते हैं, यहां पे 5% करते हैं, ठीक है, दूसरा है 5%, तो ये 5% हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा है तुम्हारा 12% है, 6 6 12 हो गया ना, तो यहां पे 12% कर देंगे, ठीक है, कॉमा देकर के लिख देंगे 12% हो गया। 12% करने के बाद क्या करना है, यहां पे ओके करना है, ठीक है, ये ओके कर देते हैं। तो यहां पर एक ड्रॉप डाउन आ गई है, देखो ये ड्रॉप डाउन आ रही है, ठीक है, लेकिन हम अब यहां पर ड्रॉप डाउन तो नहीं आ रही है, तो क्या करना है, यहां पे रखना है, यहां तक आना है और वापस से इसी पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद ये एक विंडो आएगी, पूछेगा दिस द सिलेक्शन कंटेन्स सम सेल विदाउट डाटा वैलिडेशन सेटिंग, डू यू वांट टू एक्सटेंड डाटा वैलिडेशन टू दीज सेल्स। मतलब कि जो सेल आपने ऊपर वाले में ही ये था डाटा वैलिडेशन, लेकिन नीचे और भी सेल जो सेलेक्ट किया है उसमें भी डाटा वैलिडेशन चाहते हैं क्या, तो यस कर देंगे, तो इस पे भी वही चीज अप्लाई हो जाएगी, आई बात समझ में, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए, यहां पर भी देखिए, ये अप्लाई हो गई। अब हमको क्या करना है, टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो यहां लिख देते हैं टैक्स अमाउंट, ठीक है, टैक्स कितना आया वो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर इसको छोड़ देते हैं, अब यहां पे आते हैं, टोटल को सेलेक्ट करना, इसी में तो टैक्स छिपा होगा, ठीक है, ये टोटल को सेलेक्ट किया और मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5%, ये 5% है ना, 5% और प्लस 5%, ठीक है, ये दोनों लगा दिया और एंटर करेंगे, तो यहां ₹102 इस पे टैक्स आ गया है, ठीक है। एक बार चेक करते हैं ₹2040 का 10% कितना आता है, तो यहां पे चेक कर लेते हैं, 2040 हो गया, ठीक है, और इसका कितना करना है, 10% करना है ना, 10%, तो देखते हैं कितना आता है, ₹204 आया है, यहां केवल 102 आ रहा है, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, 204 आना चाहिए सिर्फ, एक ही का ये कैलकुलेट करके दे रहा है। तो करना क्या होगा इसके लिए, यहां पर हम एक काम करते हैं, यहां पे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देखते हैं आप शायद सही हो जाए, यहां पे ₹204 आ गया ना। अब इस पे डबल क्लिक कर देंगे, सबका आ जाएगा, सबका आ गया, इसके हिसाब से जैसे जैसे दिया गया उसी हिसाब से सबका आ गया है, देख लीजिए आ गया कि नहीं। अगर मान लीजिए किसी पर आईजीएसटी लगता तो क्या होता, जैसे मान लीजिए इस पे आपको सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगाना, आईजीएसटी लगाना है, तो क्या करते हम, तो यहां पर एक काम करते, पहले तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, यहां पर हम कर देंगे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ऊपर लिख देते हैं सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट हुआ है। अगर मान लीजिए इनकेस आईजीएसटी कैलकुलेट करना किसी का होता, जैसे मान लीजिए इसी का कैलकुलेट करना होता पहले वाले का, यहां ऊपर लिख देता हूं आईजीएसटी, ठीक है, तो अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें सारा कुछ कैलकुलेट हुआ पड़ा है एक तरह से, ये समझिए, इज इक्वल टू का निशान लगाइए, टोटल को सेलेक्ट कीजिए, और यहां पर आईजीएसटी जो पहला वाला है जिसका सेल एड्रेस क्या है H2, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पे एंटर कर दीजिए, तो यहां 0% आ गया। लेकिन यहां से जब ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और मान लीजिए किसी पे 5% का लग रहा हो या 10% का लग रहा हो, 10% का मान लीजिए, तो जैसे ही 10% करेंगे तो 204 अपने आप आ जाएगा, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आईजीएसटी भी कैलकुलेट हो जाएगा, समझ में आई बात, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। अब इस पे आपको बॉर्डर लगाना है तो Alt HBA प्रेस कीजिएगा, बॉर्डर लग जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, समझ में आई बात।
क्लियर है? ठीक है, तो इसको कर लीजिए।